Before starting the video, I would like to tell you something about ipsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IPS Guide. Today we will solve some question from series and data sufficiency, and this type of question are very helpful for SBI PO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ipsguide.com. Let's see what are those questions. This is the question based on the series. Here some series is given, that is a mixture of the letters, symbol and number. And here some steps are given. According to the steps, you have to find out the final series, and based on the final series you have to answer this four question. And this is the question based on the data sufficiency. Here is the instruction part and this is the question. So friends, I request you all to pause the video and try all these questions. Let's see what information is written in this series steps. So friends, यहाँ पे हम लोगों को एक series दिया गया है जिसमें numbers भी है, symbols भी है, letters भी है, सब यहाँ पे mixture किया गया है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे step one में क्या बोला गया है. Step one में each such special character that is immediately preceded by a number and immediately followed by a constant is to be placed immediately left of 1st, 5th, 9th and 13th element from left hand, and so till all possible special character are placed. तो हमें वो special characters को देखना है जो number के ठीक बाद है और कांस्टेंट के ठीक पहले है, और इन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को प्लेस करना है कहां पे? फर्स्ट एलिमेंट के इमीडिएटली लेफ्ट में, फिफ्थ एलिमेंट के इमीडिएटली लेफ्ट में, नाइन्थ एलिमेंट के इमीडिएटली लेफ्ट में, थर्टींथ एलिमेंट के इमीडिएटली लेफ्ट में. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है जो नंबर के ठीक बाद है पर कांस्टेंट के ठीक पहले है. क्लियर? तो यहाँ पे 8% D है. तो नंबर के ठीक बाद क्या है? ये स्पेशल कैरेक्टर है, और डी जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ठीक पहले क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है. क्लियर? फिर यहाँ पे 4@H है. तो नंबर के ठीक बाद क्या है? यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, और एच यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट के ठीक पहले है. 3 स्पेशल कैरेक्टर क्यू है. तो यहाँ पे 3 क्या है? नंबर, नंबर के ठीक बाद क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है, और क्यू क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ठीक पहले क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है. फिर 2> or = L. तो 2 यहाँ पे नंबर है, तो नंबर के ठीक बाद क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है, और L क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ठीक पहले क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को 4 पॉसिबिलिटी मिले, 1, 2, 3, 4. अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि इन सारे 4 सिंबल्स को कहाँ प्लेस करना है? 1 by 1 सीरियल वाइज, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे परसेंटेज पहले पता चला, एट द रेट उसके बाद, फिर ये स्पेशल कैरेक्टर उसके बाद, फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है. तो फर्स्ट एलिमेंट के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में परसेंटेज होगा, फिर फिफ्थ एलिमेंट के इमीडिएटली लेफ्ट में एट द रेट होगा,
नाइन्थ एलिमेंट के इमिडिएटली लेफ्ट में ये स्पेशल कैरेक्टर होगा, फिर 13 एलिमेंट के इमिडिएटली लेफ्ट में लेस देन और इक्वल टू होगा. क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 8 है, तो 8 के इमिडिएटली लेफ्ट क्या होगा, परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज 8. क्लियर? अब यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, फिफ्थ एलिमेंट है. तो यहाँ पे डी एफ लिख लेंगे और 4 के इमिडिएटली लेफ्ट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, तो एट द रेट 4. अब नाइन्थ एलिमेंट हम लोग को देखना है, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 7 8 9, ये क्या हो गया, नाइन्थ एलिमेंट हो गया. 4 के बाद एच हैश. अब 1 के इमिडिएटली लेफ्ट में ये स्पेशल कैरेक्टर होगा. क्लियर? 1 क्या हो गया यहां पे, नाइन्थ एलिमेंट हो गया. अब 13th एलिमेंट हम लोगों को देखना है, तो 13 एलिमेंट क्या हो जाएगा, 10 11 12 13, 6 क्या हो गया, 13 एलिमेंट हो गया. तो 6 के इमीडिएटली लेफ्ट में क्या होगा, ये सिंबल होगा. क्लियर? अब यहां पे जो बाकी सारे यहां पे सिंबल है वो वैसे ही हम लोग लिख लेंगे, ये सिंबल और ये सिंबल को छोड़ के. क्यों? क्योंकि ये सारे सिंबल हम लोग ने यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं. क्लियर? तो यहाँ पे एंड होगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने स्टेप 1 के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ने ये सीरीज निकाले. अब हम लोग स्टेप 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1, ईच सर्च डिजिट्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ स्पेशल सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कांस्टेंट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली राइट ऑफ 3rd, 7th, 11th, 15th, and 18th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड सो टिल ऑल पॉसिबल डिजिट्स आर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे क्या बोला गया है, उन सारे डिजिट्स को देखना है जो स्पेशल सिंबल के इमीडिएटली बाद हो और कांस्टेंट के इमीडिएटली आगे हो. मतलब स्पेशल सिंबल के बाद क्या हो, डिजिट्स हो, ठीक बाद डिजिट्स हो, और कांस्टेंट के ठीक पहले क्या हो, डिजिट्स हो. तो इन सारे डिजिट्स को हम लोगों को फाइंड करना है. फिर क्या करना है, इन सारे डिजिट्स को इमीडिएटली राइट प्लेस करना है 3rd एलिमेंट के, 7th एलिमेंट के, 11th एलिमेंट, 15th एलिमेंट और 18th एलिमेंट, जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड से देखेंगे. और डिजिट्स को कैसे हम लोग प्लेस करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर? और हम लोग कौन से सीरीज में देखेंगे, ये जो स्टेप 1 के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये सीरीज निकला है, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे वो सारे डिजिट्स. क्लियर? तो यहाँ पे परसेंटेज क्या है, स्पेशल सिंबल है, और स्पेशल सिंबल के बाद क्या है, 8 है जो कि डिजिट्स है, और डी के पहले क्या है, 8 है, और डी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है. क्लियर? फिर एट द रेट 4h, एट द रेट क्या है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल है, और स्पेशल सिंबल के बाद क्या है, यहाँ पे 4 है जो कि डिजिट्स है, और h यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पहले क्या आया, डिजिट्स आया. क्लियर? फिर यहाँ पे कैप 5m, कैप क्या है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल है, तो स्पेशल सिंबल के बाद क्या हुआ, 5 है, और m क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पहले क्या आया, 5 आया. क्लियर? फिर ये सिंबल और 3 और q, तो ये क्या है, स्पेशल सिंबल है, तो स्पेशल सिंबल के बाद क्या आया, डिजिट्स आया, और q यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पहले क्या आया, 3 आया, जो कि डिजिट्स है. क्लियर? फिर डॉलर 0 r, डॉलर के बाद क्या आया, 0 आया,
और आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पहले यहाँ पे क्या आया, जीरो आया, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी मिल गए, 1, 2, 3, 4 और 5 पॉसिबिलिटी मिल गए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को प्लेस करना है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले कौन प्लेस होगा, 8 प्लेस होगा, फिर 5 प्लेस होगा, फिर 4 प्लेस होगा, फिर 3 प्लेस होगा, उसके बाद 0 प्लेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थर्ड एलिमेंट कौन है लेफ्ट से, 1, 2, 3, डी क्या है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट है, तो डी के इमिडिएटली राइट प्लेस होगा 8। तो डी के इमिडिएटली राइट क्या प्लेस होगा, 8 प्लेस होगा, एट द रेट डी 8, ठीक है। अब हम लोग 5 को प्लेस करेंगे कहाँ पे, सेवेंथ एलिमेंट के इमिडिएटली राइट। तो यहाँ पे सेवेंथ एलिमेंट कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेवेंथ एलिमेंट एच है। तो यहाँ पे एफ एट द रेट और एच के इमिडिएटली राइट में क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हम लोग 4 को प्लेस करेंगे, तो 4 कहाँ पे प्लेस होगा, 11th एलिमेंट के इमिडिएटली राइट। तो यहाँ पे 11th एलिमेंट कौन हो जाएगा, एच क्या है, 7th एलिमेंट है, 8, 9, 10, 11, तो इस सिंबल के इमिडिएटली राइट में 4 प्लेस होगा। तो इस सिंबल के इमिडिएटली राइट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। अब 15th एलिमेंट के इमिडिएटली राइट में 3 प्लेस होगा। तो यहाँ पे 15th एलिमेंट कौन होगा, यहाँ पे ये 11th एलिमेंट था, 12, 13, 14, 15, 6 यहाँ पे क्या है, 15th एलिमेंट है। तो 15 एलिमेंट के इमिडिएटली राइट में क्या होगा, 6 के राइट में इमिडिएटली राइट में 3 हो जाएगा, क्लियर। अब 0 को हम लोग को प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करेंगे, 18th एलिमेंट में। तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, 15th एलिमेंट, 16, 17, 18, मतलब गैप के इमिडिएटली राइट में हम लोग 0 को प्लेस करेंगे, क्लियर। और बाकी सारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सबको हम लोग वैसे ही प्लेस कर देंगे, यहाँ पे 5, 3 और 0 को छोड़ के, क्योंकि ये सारे डिजिट्स को हम लोग ने यहाँ पे प्लेस कर लिए, क्लियर। सो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे स्टेप 2 के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पे सीरीज लिख लिए, क्लियर। अब हम लोग स्टेप 3 देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप 3 में क्या बोला गया, अब आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2 ईच सच अल्फा बिट्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय स्पेशल कैरेक्टर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर शुड बी प्लेस इमीडिएटली राइट ऑफ लेस देन और इक्वल टू इन रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों को लिखना है। उन सारे अल्फाबेट्स को हम लोगों को फाइंड करना है जो स्पेशल कैरेक्टर के ठीक बाद है और नंबर के ठीक पहले है, और उन सारे अल्फाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में इमिडिएटली राइट किसके, लेस देन और इक्वल टू के इमिडिएटली राइट में रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, क्लियर। और कौन से सीरीज में हम लोग देखेंगे, हम लोग इस सीरीज में देखेंगे, क्लियर। तो हम लोग इस सीरीज में देखेंगे, तो परसेंटेज यहाँ पे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, डी क्या है, अल्फाबेट्स है, और 8 क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी पता चल गई, डी। अब एट द रेट एच 5, एट द रेट क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, एच अल्फाबेट्स है, 5 नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर के बाद क्या है, अल्फाबेट्स है, और नंबर के ठीक पहले क्या है, अल्फाबेट है, एच हो गया। तो ये क्या हो गया, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई। ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर के ठीक बाद क्या है, अल्फाबेट्स है, और 7 क्या है, नंबर है, तो नंबर के ठीक पहले क्या है, अल्फाबेट है।
तो यहाँ पे डी एच डब्ल्यू मीन्स हम लोगों को यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी मिल गए। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि लेस देन और इक्वल टू के इमिडिएटली राइट में सबको प्लेस कर देना और रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, डब्ल्यू होगा, एच, फिर डी। क्लियर? तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे निकाले थे, सबसे पहले डी निकला, एच निकला, फिर डब्ल्यू निकला, तो इसका रिवर्स क्या हो गया, डब्ल्यू एच और डी। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के इमिडिएटली राइट में तीन अल्फाबेट्स जो कि W, H और D है, इन सबको लिख देते। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के इमिडिएटली राइट में इन तीन लेटर को लिख देते जो कि रिवर्स ऑर्डर में, W, H, D। फिर यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे सीरीज में है, जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे W को छोड़ के। तो ये तो रहा हम लोग का फाइनल सीरीज। स्टेप थ्री इज द फाइनल आउटपुट फॉर द गिवन स्ट्रिंग। तो ये क्या है, ये सीरीज क्या है, हम लोग का फाइनल आउटपुट है। क्लियर? अब फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वन, हाउ मेनी सच स्पेशल कैरेक्टर्स आर देयर इन द फाइनल सीरीज विच इज और आर इमिडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्स्टेंट एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोगों को देखना है जो कांस्टेंट के बाद है और नंबर के ठीक पहले है। तो यहाँ पे एफ एट द रेट फाइव है। एफ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ठीक बाद क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, और फाइव के ठीक पहले क्या है, एट द रेट है। आर के ठीक बात क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, और नाइन के ठीक पहले क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमें दो स्पेशल कैरेक्टर ऐसे मिल रहे हैं जो कॉन्स्टेंट के ठीक बाद है और नंबर के ठीक पहले है। तो इन में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, टू। क्वेश्चन टू, इफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेसीडेड बाय प्राइम डिजिट्स आर ड्रॉप्ड इन द फाइनल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एट टू लेफ्ट ऑफ 13 एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन सारे एलिमेंट्स को ड्रॉप कर देने जो प्राइम नंबर डिजिट्स के बाद है फाइनल सीरीज में, और फिर क्या करना है, हम लोगों को राइट एंड से 13 एलिमेंट देखना है और 13 एलिमेंट के लेफ्ट में जो 18th एलिमेंट होगा वो कौन सा है वो हमें बताना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के ठीक बाद क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हम लोग ड्रॉप कर देंगे। प्राइम नंबर और कौन सा है, यहाँ पे थ्री है, तो प्राइम नंबर के ठीक बाद यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, उसको भी हम लोग ड्रॉप कर देंगे। टू प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के ठीक बाद यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसको भी हम लोग ड्रॉप कर देंगे। और कोई है यहाँ पे, नहीं है। तो अब हम लोग को क्या बोला गया, राइट एंड से 13 एलिमेंट और 13 एलिमेंट के लेफ्ट में जो 8th एलिमेंट होगा ये ऑप्शन में से हमें बताना है। तो 13 प्लस 8 करेंगे जो कि 21 आएगा, तो हम लोग 21 एलिमेंट देखेंगे राइट एंड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. W क्या है, 21th एलिमेंट है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, W। 4 out of 5 follows a creation common rule and thus formed a group in final arrangement, which of the following combination doesn't belong to same group। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए देख लेते हैं, एफ वन डब्ल्यू, एफ वन डब्ल्यू। एफ और वन के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 हैं, और वन और डब्ल्यू के बीच में 1, 2, 3, 4, 5। वन और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेटर देन एंड
6 है और एंड और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑप्शन सी 6 एम आई ऑप्शन सी 6 एम आई 6 एम आई 6 और एम के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 फाइव और एम और आई के बीच में 1 2 3 4 5 फाइव है. नेक्स्ट ऑप्शन एल कैप लेस देन और इक्वल टू एल कैप और लेस देन एंड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 7 है और एल और कैप के बीच में 2 1 2 3 4 5 6 7 कैप और एल के बीच में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 है और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं ए स्पेशल कैरेक्टर और 8 ए स्पेशल कैरेक्टर और 8 1 2 3 4 1 2 3 सो फ्रेंड्स हम लोग ये देख सकते हैं कि इन सारे ऑप्शन में से ये ऑड है क्योंकि यहाँ पे क्या है एफ वन और डब्ल्यू एफ और वन के बीच में यहाँ पे 4 है और वन और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे 5 है तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में क्या है 1 लेस है किससे सेकेंड और थर्ड एलिमेंट में जितने भी नंबर्स हैं सेम यहाँ पे ऑप्शन बी में भी किया गया है ऑप्शन डी में भी वही किया गया है और ऑप्शन ई में भी वही किया गया है तो यहाँ पे ऑड कौन सा हो गया ऑप्शन सी. क्लियर. क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन फाइनल अरेंजमेंट विच इज or are immediately preceded by a special character and immediately followed by a constant. यहाँ पे हमें वो alphabets find करने हैं जो special character के immediately बाद आता है और constant के ठीक पहले. तो यहाँ पे वो सारे हम लोगों को alphabets देखने हैं. ये क्या है स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर के ठीक बाद क्या है अल्फाबेट्स है और कांस्टेंट के ठीक पहले क्या है अल्फाबेट है तो एक क्या हो गया डब्ल्यू हो जाएगा. क्यू ये क्या है स्पेशल कैरेक्टर के ठीक बाद क्या है क्यू है और बी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के ठीक पहले क्या है यहाँ पे एक अल्फाबेट है तो डब्ल्यू और क्यू होगा तो यहाँ पे ऑप्शन में से क्या हो जाएगा ऑप्शन ए टू सच अल्फाबेट्स आर देयर. क्लियर. अब हम लोग डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन देख लेते हैं. ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 एंड 2 गिवन बिलो इट. यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन. हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया जाएगा और जिसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 से क्या हम वो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं या स्टेटमेंट 2 से हम लोग वो आंसर कर सकते हैं कि नहीं या फिर हम लोग स्टेटमेंट 1 या तो 2 को कंबाइन करके वो क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर सकते हैं कि नहीं वो हमें यहाँ पे ऑप्शन में से हमें बता. तो ये क्वेश्चन है एट फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ईच हैविंग डिफरेंट हॉबी पेंटिंग डांसिंग बॉक्सिंग बैडमिंटन ड्राइंग सिंगिंग
cricket and football. Then what is the hobby of the person who sits second to the right of the one having cricket as hobby? यहाँ पे क्या बोला गया, एट फ्रेंड्स हैं जो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, फेसिंग सेंटर है और डिफरेंट हॉबी है. और हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है कि क्रिकेट जिसको पसंद है उसके राइट में सेकंड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है और उसका हॉबी यहाँ पे क्या है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट वन देख लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टी हु लाइक्स सिंगिंग. हु किसके लिए यहाँ पे बोला गया है, टी के लिए बोला गया है. तो यहाँ पे हम लोग ने सर्कल एक बना लिया और हमें पता है कि सारे फ्रेंड्स सेंटर की तरफ देखते हैं. तो टी यहाँ पे मान लीजिए है, तो टी को यहाँ पे क्या पसंद है, सिंगिंग पसंद है. तो सिंगिंग जिसको पसंद है जो कि टी है, टी के राइट में थर्ड पोजीशन में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा. तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे टी के लिए और एक सेंटेंस है, द वन हु लाइक्स फुटबॉल सिट इन फ्रंट ऑफ द वन हु लाइक्स बैडमिंटन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी. यहाँ पे क्या बोला गया, टी के लेफ्ट में थर्ड पोजिशन में बैडमिंटन बैठेगा और बैडमिंटन के ऑपोजिट में कौन बैठेगा, फुटबॉल बैठेगा. ठीक है, तो टी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में यहाँ पे कौन बैठेगा, बैडमिंटन बैठेगा और बैडमिंटन के ऑपोजिट में कौन यहाँ पे बैठेगा, फुटबॉल बैठेगा. ठीक है, फिर यहाँ पे यू के लिए कुछ बोला गया है, एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा. यू का लेफ्ट क्या हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एस बैठेगा. क्लियर, फिर यहाँ पे एस के लिए कुछ बोला गया है, क्यू हैविंग बॉक्सिंग एज हॉबी सिट सेकंड टू राइट ऑफ आर हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस. मतलब एस के थर्ड राइट में आर बैठेगा, हु आर के लिए बोला गया है और आर के सेकंड में राइट साइड में क्यू बैठेगा जिसको बॉक्सिंग पसंद है. तो यहाँ पे एस के राइट में थर्ड पोजीशन में आर बैठेगा, तो एस का राइट क्या हो गया, ये हो गया, 1 2 3 यहाँ पे आर बैठेगा और आर के राइट में सेकंड पोजीशन में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा जिसको बॉक्सिंग पसंद है. क्लियर, टी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में पी बैठेगा, क्यू के लेफ्ट ये हो गया थर्ड पोजीशन, 1 2 3 यहाँ पे पी बैठेगा. क्लियर, फिर यहाँ पे पी के लिए कुछ बोला गया, वी सिट थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स डांसिंग एंड हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ पी. मीन्स पी के राइट में सेकंड पोजीशन में डांसिंग बैठा हुआ है. यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया, डांसिंग के लिए और डांसिंग के राइट में थर्ड पोजीशन में वी बैठा हुआ है. तो पी के राइट सेकंड पोजीशन में कौन बैठेगा, डांसिंग बैठेगा. राइट में सेकंड पोजीशन में डांसिंग है और डांसिंग के राइट में थर्ड पोजीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे और एक पर्सन होंगे, यहाँ पे वहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा. क्लियर, फिर यहाँ पे और एक सेंटेंस यहाँ पे बचा हुआ है, द वन हु लाइक्स सिंगिंग सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन लाइक्स ड्राइंग. तो ड्राइंग के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में क्या होगा, सिंगिंग होगा. तो यहाँ पे सिंगिंग हमें पता है कि किसको पसंद है, टी को पसंद है. तो ड्राइंग के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में कौन होगा, टी होगा. तो ड्राइंग यहाँ पे हो जाएगा, ड्राइंग के लेफ्ट ये हो गया, तो लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में कौन है, टी है जिसको सिंगिंग पसंद है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो पर्सन यहाँ पे बच रहे हैं जिसको हॉबी हम लोगों को अलॉट करना है. तो यहाँ पे हो सकते हैं क्रिकेट हो सकता है पी को भी क्रिकेट पसंद हो. ठीक हो सकता है यहाँ पे पी को भी पेंटिंग पसंद हो सकता है यू को भी यहाँ पे पेंटिंग पसंद हो. तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिल रही है पी और यू के. ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया था कि व्हाट इज द हॉबी ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक क्रिकेट.
यहाँ पे तो हम लोगों को क्रिकेट जिसको पसंद है वो तो यहाँ पे फिक्स हो ही नहीं रहा, क्रिकेट हो सकता है पी को पसंद हो सकता है यू को पसंद हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। स्टेटमेंट टू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्यू सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, हु सिट सेकेंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स सिंगिंग। तो यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, एस के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में क्यू बैठेगा, 1 2 3 यहाँ पे क्यू बैठा है। और क्या बोला गया है कि एस क्या है, राइट में सेकंड पोजीशन में किसके, सिंग। तो कहाँ पे सिंगिंग होगा, सिंगिंग यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि सिंगिंग के राइट ये हो जा रहा है और राइट में सेकंड पोजीशन में एस बैठ रहा है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या है, पी सी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू हु लाइक्स बॉक्सिंग, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्यू के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में पी बैठा हुआ है और यहाँ पे बॉक्सिंग किसको पसंद है, क्यू को पसंद है, हु यहाँ पे क्यू के लिए बोला गया है, क्लियर। तो क्यू के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में पी बैठेगा और क्यू को यहाँ पे क्या पसंद है, बॉक्सिंग पसंद है, क्लियर। द वन हु लाइक्स फुटबॉल सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में क्या होगा, फुटबॉल होगा। तो पी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पे फुटबॉल, क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस, टी लाइक सिंगिंग एंड सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में क्या होगा, टी। तो यहाँ पे हम लोग ने सिंगिंग पढ़ा था, तो सिंगिंग यहाँ पे किसको पसंद है, टी को पसंद है, और टी कहाँ पे बैठा हुआ, लेफ्ट में थर्ड पोजीशन के किसके, क्रिकेट जिसको पसंद है। तो यहाँ पे सिंगिंग किसको पसंद है, टी को पसंद है, और किसके लेफ्ट में बैठेगा, क्रिकेट। तो क्रिकेट कहाँ पे हो जाएगा, क्रिकेट यहाँ पे होगा, क्रिकेट के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में टी है जिसको सिंगिंग पसंद है, 1 2 3 यहाँ पे क्या है, टी है, सिंगिंग पसंद है, क्लियर। फिर यहाँ पे यू सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर हु सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बॉक्सिंग, तो हमें यहाँ पे पता है बॉक्सिंग किसे पसंद है, क्यू को पसंद है। तो क्यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में कौन बैठेगा, आर बैठेगा, हु आर के लिए यूज है, और आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में यू होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में आर होगा, क्यू के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में यहाँ पे आर होगा, क्लियर। और आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में यू होगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे द वन हु लाइक्स बॉक्सिंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो हमें यहाँ पे पता है कि बॉक्सिंग किसको पसंद है, क्यू को पसंद है, और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में क्यू बैठेगा, क्लियर। तो यहाँ पे और एक पर्सन यहाँ पे बचा, कौन हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे कौन बैठेगा, वी बैठेगा, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिविजुअली स्टेटमेंट वन और इंडिविजुअली स्टेटमेंट टू से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेटमेंट टू में हमें पता है कि यहाँ पे यू को क्रिकेट पसंद है, पर यहाँ पे क्या बोला गया था, क्रिकेट के राइट में सेकेंड पोजिशन में कौन बैठा हुआ है और उसका हॉबी क्या है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे क्रिकेट के राइट में सेकेंड पोजिशन में आर बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ पे तो हॉबी हमको पता नहीं है, हॉबी क्या है। तो हम लोग इंडिविजुअली स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को तो हम लोग इंडिविजुअली हम लोग आंसर नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट के अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं कि टी के राइट, अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखें तो टी क्यू डब्ल्यू आर पी यू एस वी है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं
क्लॉकवाइज में ई क्यू डब्ल्यू आर पी यू एस वी, मतलब कि यहाँ पे अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ पे टी को क्या सिंगिंग पसंद है, यहाँ पे भी टी को सिंगिंग पसंद है, वी को फुटबॉल पसंद है, तो यहाँ पे एस को यहाँ पे ड्राइंग पसंद है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एस को ड्राइंग पसंद है। ठीक है, फिर यहाँ पे तो यू यहाँ पे क्या पसंद है, यू को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे टी को क्या पसंद होगा, यहाँ पे पेंटिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी को क्या पसंद होगा, पेंटिंग पसंद होगा। आर को यहाँ क्या पसंद है, बैडमिंटन। डब्ल्यू को यहाँ पे क्या पसंद है, डांसिंग पसंद है। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोगों का यहाँ पे सही हो गया, सारा फिक्स हो गया। यहाँ पे पर्सन भी फिक्स हो गए और पर्सन के हॉबीज भी यहाँ पे फिक्स हो गए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द हॉबी ऑफ द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैविंग क्रिकेट एज हॉबी। यहाँ पे क्रिकेट के राइट में सेकंड पोजीशन में कौन सा हॉबी पसंद है, यहाँ पे क्रिकेट के राइट में सेकंड पोजीशन में यहाँ पे आर बैठा हुआ है जिसका हॉबी क्या है, बैडमिंटन है। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ई। इन द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर, होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। डू लाइक कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।